संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद, ये इटली की कांग्रेस है। लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा, FIR की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया को PM मोदी के खिलाफ बयान देना काफी महंगा पड़ गया। अब उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, पन्ना के पवई थाने में FIR दर्ज हो गई है और अब उनकी इस टिप्पणी पर बयानबाजी भी शुरू हो गई। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर पूर्व मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया। दरअसल पटेरिया का बयान 11 दिसंबर का है। वो पन्ना जिले के मंडलम में कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बोला कि मोदी तो इलेक्शन खत्म कर देगा, जाति धर्म के आधार पर बांट देगा, सबका जीवन खतरे में है, अगर संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है, संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंद्रशाही कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो विपरीत। उनके इस बयान के बाद हर ओर से उनकी आलोचना होने लगी। BJP ने तो उनके खिलाफ मोर्चा ही खोल लिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटेरिया पर FIR के निर्देश दे दिए और उनके इस बयान की आलोचना भी की। दरअसल आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद, ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल FIR कराने का SP को निर्देश दे रहा हूँ। अब उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पटेरिया के खिलाफ एक मामला पन्ना के पवई थाने में दर्ज किया गया है। इस बारे में भी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया जी के द्वारा एक जनसभा में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक दलित आदिवासी समुदाय के बीच घृणा वैमनस्य फैलाना का कार्य प्रतीत हुआ, इससे लोक शांति भंग होना पुलिस ने पाया है और इनके खिलाफ IPC की धारा 451, 504, 505, 1B, 5051, 1C, 506, 153, B1C के तहत पन्ना जिले में मामला दर्ज किया गया। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो संदेश जारी कर उनके इस बयान पर खूब आलोचना की और कहा कि कांग्रेस के आज असली भाव प्रकट हो गए हैं, अब कानून अपना काम करेगा। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं, यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। FIR की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद पटेरिया ने आज सफाई भी दी और एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूँ और मैंने हत्या की बात नहीं की, इसको गलत तरीके से बताया जा रहा है, हत्या इन द सेंस हराने के लिए तैयार रहो। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो, मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूँ, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिलाकर इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और
आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। फिलहाल उनके बयान पर हंगामा बरपा हुआ है, FIR भी दर्ज हो गई। देखना होगा कि आगे उन पर क्या एक्शन लिया जाता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।